नमस्कार, मैं प्रशांत रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ स्वत समाचार में। बिहार और भारत की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर यह खास विश्लेषण प्रस्तुत है। ताजा अपडेट यह है बिहार की राजनीति में कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर यूपीए में जा चुके हैं। कल यानी 23 दिसंबर को एनडीए ने बिहार में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर चुकी है, जिसके तहत भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसके तीसरे घटक यानी लोजपा को 6 सीट खाते में आई है। इस 17-17-6 के फॉर्मूले पर भाजपा, जदयू और लोजपा को कितना लाभ या नुकसान होना होगा, इसी संदर्भ में हम ये राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल कुमार श्रेष्ठ जी, स्वत पत्रिका के संपादक विचार हैं। सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वत के स्टूडियो में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो राजनीतिक ताजा घटनाक्रम हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कितने फायदे में है या कितने नुकसान में है? ऊंची छलांग के लिए थोड़ा पीछे हटना होता है जी। इसी आलोक में भारतीय जनता पार्टी ने यह समझौता किया है जी। लोजपा के लिए ये दोनों जदयू और भाजपा 4 सीट मान कर रखी थी जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जाने का लाभ लोजपा को मिला जी। चूंकि लालू प्रसाद की तरह रामविलास पासवान अपनी जाति के अकेले नेता हैं जी, कुशवाहा के साथ ऐसी बात नहीं है, उस जाति के दूसरे भी नेता जी। लेकिन कुशवाहा के जाने का उतना नुकसान नहीं हुआ है गठबंधन को जी, जितना कि रामविलास पासवान के जाने का होगा। तो रामविलास को बचाकर तो रखना चाहती है भाजपा। इस वजह से ये लोग उनको एक राज्यसभा सीट नहीं चाहते हुए भी दे के और 4 की जगह 6 सीट दे के उनको अपने साथ रखे हैं। चूंकि पासवान का वोट बिल्कुल इंटैक्ट उनके साथ है, अच्छा। तो अगर एक और अच्छी संख्या है उनकी, तो अगर ये वोट गड़बड़ाता है तो इनको 2019 का जो लक्ष्य है इनका, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा यानी रामविलास पासवान को साध के अपने सीटों की संख्या सामान्य रखने में सफलता पा सकती है, लेकिन एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जिसके बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाजपा के अभी 22 सांसद हैं बिहार में, अगले चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 17 से कम ही सांसद उसके लोकसभा में पहुंच पाएंगे। तो ये जो नुकसान भाजपा को सीटों के स्तर पे होने वाला है, इसकी भरपाई किस रूप में हो सकती है? इसकी एक चर्चा है कि भाजपा के कुछ सांसद जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, तो ये एक नुकसान की भरपाई हो जाएगी। नुकसान की भरपाई मतलब जो सिटिंग मतलब एमपी है उनके जी, उनको बेटिकट नहीं किया जाएगा, तो वो जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़के ऐसी चर्चा संसद पहुंच सकते हैं। और हो सकता है इसमें जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो हो सकता है उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है, लेकिन जात के आधार पर समीकरण देखा जाएगा कि कहां किनको रखने और छोड़ने से कितना लाभ मिलता है जी। तो और जदयू को साथ लेके चलने के लिए थोड़ा तो ये करना ही होगा भाजपा को, क्योंकि इनका लक्ष्य दिल्ली है जी। तो यहाँ उलझने से इनको नुकसान हो जाएगा, सीट भाजपा का हो या जदयू का हो, इनको इनका लक्ष्य 40 सीट है नंबर का है जी। तो इसके लिए लोजपा से समझौता हो, जदयू से हो या और भी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात हुई है कि ये सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के महागठबंधन बड़ा वोट फैक्टर होने वाला है, तो जाने का भी लाभ जी। कभी कभी मतलब बिल्ली के भाग से छीका टूटता है जी, तो इसका लाभ भी लोजपा को मिला है जी। तो सन ऑफ मल्लाह के उधर चले जाने से, जिसकी संभावना थी कि वो राजग के साथ आएंगे जी, पहले इनकी बात जदयू से होते भी रही है जी, लेकिन इनके जाने का नुकसान इनको होता तो इसलिए भी रामविलास पासवान को साथ रख के और जदयू को भी बराबर बराबर का सीट देके जी और इस समझौते को किया। अच्छा, तो ये एक अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ है, इसमें क्या ये कहा जा सकता है कि सबसे अधिक फायदे में जदयू है, फायदे नुकसान में है? नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है, एक रखा गया है, बैलेंस रखा गया है। और इस बैलेंस का कारण हुआ कि पिछली बार भी जदयू जब राजद के साथ था जी, तो बराबर बराबर सीट पर लड़ा था,
तो इस वजह से इनको महत्व दिया गया है। नीतीश कुमार जात का वोट तो इनके पास नहीं है, लेकिन एक जमात का वोट है इनके पास और एक काम करने की छवि है जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा जी। तो इस वजह से यह समझौता मैंने घाटा फायदा नहीं जोड़ना है यहाँ कि क्या है नहीं है, मेन है नंबर का खेल कि हम 40 में कितना नंबर लाते हैं। जैसे ही एनडीए में सीटों का ये फॉर्मूला तय हुआ, वैसे ही उनके विरोधी, एनडीए के जो विरोधी हैं बिहार में तेजस्वी यादव, उनका स्टेटमेंट आता है कि दो सीटें जीतने वाली जदयू को इस बार 17 सीटें दे दी गई और इस चलते इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो ये जो विरोधी नेता का इस तरह से बयान आ रहा है, इसके भी कुछ मायने हो सकते हैं। तब का समीकरण अलग था, तब राजद अलग था जी और भाजपा अलग थी जी, तब अकेले लड़े थे नीतीश कुमार। अच्छा, तो इस वजह से उस परिस्थिति में उनको दो सीट आई थी जी। लेकिन जब भी वो एनडीए के साथ लड़े हैं या राजद के साथ लड़े, तो जब दो वोट, दो फैक्टर एक साथ हुआ है, तब तब सीटें अच्छी आई हैं। तो ये फॉर्मूला जो तेजस्वी बोल रहे हैं उस निराधार बात है, क्योंकि अब वो एनडीए के साथ हैं, तब वो राजद के साथ थे जी। तो नीतीश कुमार और भाजपा का जो वोट है वो अगर एक साथ होगा तो अच्छा परिणाम देगा जी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये तीनों घटक दल अपनी समझ बुझ से, भाजपा, जदयू और लोजपा ने ये सीटों का बंटवारा किया है और एक संतुलित बंटवारा ये है। तो हमने जानने की कोशिश की अपने वरिष्ठ संपादक विचार सत्यपाल कुमार श्रेष्ठ जी से कि हाल में जो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कौन सा दल कितने नफे नुकसान में रहने वाला है, असल नुकसान और असल फायदा किसका कितना होगा, यह तो 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होंगे। बहरहाल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो पिछले 2 या 3 महीने से कवायद चल रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर एक विराम लग गया है। और एक बार हम पुनः दोहरा देना चाहेंगे आपके लिए कि अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से भाजपा और जदयू को 17-17 सीटें मिली है, उसके तीसरे घटक दल यानी लोजपा को 6 सीटें मिली है। अब अगली नजर है सीट शेयरिंग को, वो बिहार में यूपीए पर होगी और यूपीए के घटक दल कौन कौन से होंगे और अगर होंगे जैसे कांग्रेस, राजद या अब उपेंद्र कुशवाहा जाने के बाद रालोसपा को भी शामिल कर ले, उनके सीट शेयरिंग कितने कितने होती हैं, वो जब एक बार घोषणा आ जाती है तब हम फिर से आपके लिए यूपीए के भी सीट शेयरिंग के विश्लेषण को लेकर हाजिर होंगे। तब तक देश दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वतो समाचार पर बने रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे सारे न्यूज वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आप हमें सोशल साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज स्वतः समाचार को आप लाइक कर दीजिए तो न्यूज फीड के रूप में सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे ट्विटर हैंडल स्वतः समाचार को फॉलो कीजिए तो ट्वीट्स के रूप में भी हम देश दुनिया की ताजा घटनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्वतः समाचार। नमस्कार। We'll be right back.